नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों में से बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें किताबों का नाम बता दिया जाए। हालांकि हमारी टीम ने एक वीडियो आपके लिए डाला था जिसमें सभी किताबें दिखाई गई थी, लेकिन एक कमेंट उसमें मैं देख रहा था जो थोड़ा सा मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। कमेंट ये था कि सर हमें समझ में नहीं आया, समझाओ, मतलब किताबों का नाम समझाओ। इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने ओवरऑल जो समझने का प्रयास किया उसमें ये आया कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे ये जानना चाहते होंगे या मेरे मुंह से सुनना चाहते होंगे कि सर अगर हम UPSC CSC अर्थात सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसको सामान्यतः हम IAS की परीक्षा बोल देते हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या जो है कि सोर्सेस यूज करना चाहिए और कौन कौन सी किताबें हमें पढ़ना चाहिए। तो उसी के क्रम में ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं सभी किताबों को आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि चूँकि मेरा किसी भी पब्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं जब भी कोई विषय बताऊंगा तो उसके 2 से 3 आपको विकल्प बता दूंगा, उसमें से कोई भी आप एक विकल्प चुन लीजिएगा। जो पब्लिकेशन, जो भी आपको किताब अच्छी लगे, जिसकी भाषा शैली अच्छी लगे, आप उस किताब को यूज कीजिएगा। इसका मतलब है कि जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें जरूरी नहीं है कि आप वही किताब लें, उसके अलावा भी मैं कुछ आपको ऑप्शन बता दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के किताबों के विषय में। अब देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं पहले तो एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आपको किताबों के बोझ से थोड़ा सा बचना चाहिए। कुछ बच्चे थोड़ा सा सजावटी टाइप के होते हैं, इसका मतलब यह है कि वह पढ़ते कम हैं और माहौल ज्यादा बनाते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि सर आप मुझे 100 किताबें बता दो कम से कम, जिससे मेरी आलमारी भर जाए। मैं पूछूंगा कि उस अलमारी की किताबें कितनी बार पढ़ोगे? सर एक किताब को एक बार मैं पढ़ लूँ बड़ी बात है, बस मैं दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास किताबों का इतना ढेर है, ताकि लोग बिना बताए समझ जाएं कि मैं IAS की तैयारी करता हूँ। आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम किताबें पढ़िएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी विषय की किताब ही ना पढ़ें, है ना? तो किताबों की संख्या जितनी सीमित होगी उतनी अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िएगा। जैसे मान लेते हैं मैं आपको कोई इतिहास की किताब अब बताऊं, आपके पास 2 विकल्प हैं, आप क्या करें, इतिहास की 10 किताबों को ले आएं और एक एक बार सबको पढ़ लें। उससे अच्छा ये है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़िएगा, वो क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। इतिहास के लिए अगर आप जो है कि प्रिलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो एक किताब जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वह है स्पेक्ट्रम की किताब। प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी शानदार किताब है। तो भारत का इतिहास, खासकर आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम, देखो पब्लिकेशन में बताते चल रहा हूँ, अब मत कहना कि सर खोल कर बताओ इसमें क्या क्या लिखा है, इंडेक्स बताओ ही नहीं, है ना? थोड़ा सा मैं आपसे मैच्योरिटी की डिमांड करूंगा। तो आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की किताब ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको पता है कि आपको एंशियंट और मेडुअल भी पढ़ना होता है, तो उसके लिए आप यह किताब एक ले सकते हैं, प्रारंभिक भारत का परिचय, रामशरण शर्मा जी की किताब है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास कुछ किताबें ये भी आती हैं। अब देखिए ये किताब भी है, है ना, अब बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत का इतिहास, आप इसको ले भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसलिए स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये NCERT के आधार पर लिखी गई है। तो अगर आप इतिहास की NCERT जिनका मैं नाम बताने वाला हूँ उसको पढ़ रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जब हमने क्या क्लियर किया, ये 2 किताबें आप ले सकते हैं। उसके बाद एक जो किताब आपको लेनी चाहिए वह वर्ल्ड हिस्ट्री की, विश्व इतिहास की किताब लेनी चाहिए, और यह ओरिएंट ब्लैक स्वान की किताब है, ठीक है?
आप इसके राइटर भी देख सकते हैं, जो भी मैं किताब बता रहा हूँ उस पर पब्लिकेशन भी, राइटर भी। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, जो समकालीन विश्व इतिहास के लिए ये किताब ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मुख्य परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपकी आती है। ठीक, उसके बाद जो आपको एक किताब मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, जो जरूर लेने चाहिए, वह है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसके राइटर हैं बिपिन चंद्रा जी, बिपिन चंद्रा जी के नाम से ही ज़्यादा फेमस है। ये किताब जरूर लीजिएगा। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, एक स्पेक्ट्रम हो गया जो आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में जानकारी देगा, उसमें आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। यह जो किताब है इतिहास के पूरे पक्षों को, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास के सभी पक्षों को यहाँ पर आपके सामने रखती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस किताब का भी सहारा ले सकते हैं। ये किताब मैं जरूर करूंगा कि आपको जरूर लेना चाहिए, ठीक है, ये किताब जरूर लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए, जब हम लोग समांतर जब इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आजादी मिली और उसके बाद का जो कुछ भी होता है वो खत्म हो गया। नहीं, आजादी मिली उसके बाद भी इतिहास हम लोग बना रहे हैं। हम लोग आजादी मिलने से लेकर अभी तक बहुत से हम लोगों ने उतार चढ़ाव देखे, उन उतार चढ़ाव, उन चुनौतियों, उन समस्याओं और उस समय के घटनाक्रमों का बहुत अच्छा विवरण आजादी के बाद भारत का, ये भी बिपिन चंद्र की के नाम से आती है। तो ये किताब भी आप ले लीजिएगा। ये जो कॉन्टेम्प्रेरी या दूसरे शब्दों में कहें कि समकालीन भारत का जो इतिहास है उसकी बड़ी अच्छे से व्याख्या करती है। चाहे आप इमरजेंसी का दौर देख लीजिए, आजादी के बाद जो हमारे यहां पर घटनाक्रम है उसको देख लीजिए, सभी चीजों का बहुत ही शानदार विश्लेषण यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये किताब आपको लेनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं, ये तो इतिहास की टेक्स्ट बुक थी, अब आ जाते हैं हम एनसीईआरटी पर। तो देखिए एनसीईआरटी यहां पर देख सकते हैं, क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th। अब मैं आप मुझसे पूछेंगे कि सर हमें इसमें से कौन सी एनसीईआरटी लेनी है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़े से पढ़ाकू टाइप के हैं और आप ये चाहते हैं कि सर मैं थोड़ा समझना चाहता हूं विषय को, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 से लेकर 12 तक ले लीजिएगा एनसीईआरटी इतिहास के सभी विषयों के साथ। सभी विषयों के लिए मैं नहीं बोलूंगा, इतिहास के लिए मैं कहूंगा आप 6 से लेकर 12 तक ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लगे कि सर हमने वो किताबें तो पढ़ ली जो आपने बताया, फिर उसके बाद क्या इन सभी किताबों को एक तरफ से पढ़ना जरूरी है, तो मैं कहूंगा नहीं। हाँ, इसमें आप क्या कीजिएगा, सेलेक्टिव किताबें ले सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव किताबें ले सकते हैं। जैसे आप ये भी कर सकते हैं, भारतीय इतिहास का भाग 1, भारतीय इतिहास के भाग 2 और भारतीय इतिहास के भाग 3, ये किताबें भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये किताबें, यह आपके 12th की जो किताबें हैं इनको ले लीजिएगा, है ना, 11th और 12th, है ना। अगर आप सेलेक्टिव होना चाह रहे हैं तो 11th और 12th की किताबें एनसीईआरटी हैं, इसी नाम से आपको किताब मिल जाएगी। कवर पेज कुछ और हो सकता है, उस पर नहीं, टाइटल ध्यान दीजिए। जैसे अगर हमने कहा कि विश्व इतिहास की अगर वो किताब आप पढ़ लिए तो इस किताब को स्किप कर सकते हैं, भारतीय इतिहास की 3 किताबें आप इसको ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, आपको भी कुछ समय बाद पेपर देना है, पर्याप्त समय है, तो मैं कहूँगा आप पूरी किताबों को ले लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें एक किताब जो बच्चे इग्नोर करते हैं, जो सबसे पहले पढ़ते हैं, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की किताब, ये इंग्लिश में, हिंदी में भी आती है। और उसके बाद आप एक किताब पढ़ते हैं भारतीय शासन, ये भी लक्ष्मीकांत जी की किताब आती है। ठीक है, तो ये 2 किताबें लक्ष्मीकांत की हो गई। लेकिन इसके साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो आपके पास जरूर होना चाहिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का संविधान। हमारा जो संविधान है वही देखिए ये चीज़ है। तो संविधान, जो ओरिजिनल संविधान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब भी आप क्या कीजिएगा, पॉलिटी पढ़िएगा, तो लक्ष्मीकांत की इन 2 किताबों के साथ साथ आप इस किताब को जरूर लीजिएगा। ये छोटा सा गुटके टाइप की किताब आती है और महंगी किताब नहीं है, है ना। अब लोग कुछ लोग कहेंगे सर कीमत ही बताओ, हर किताब की कीमत बताऊंगा दिमाग चकरा जाएगा। जो आप देख लीजिएगा ना, मतलब थोड़ा सा समझ ले सकते हैं आप। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, इस किताब को जरूर लीजिएगा। ये मुझे लगता है 125 रुपए की किताब आती होगी। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया। अब देखिए, तब आपने जब यहां पर टेक्स्ट बुक पढ़ लिया पॉलिटी का, उसके बाद जब एनसीईआरटी है, यहाँ पर सेलेक्टिव हो सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्टिव हो सकते हैं। जिन्होंने आज जिस देखिए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड का है, जिन्होंने कभी स्कूल में इन सब विषयों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा या स्कूल में नहीं सही से पढ़ाया गया, तो उन्हीं के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको यह जो है कि क्लास 6, 7th, 8th, 9th के लेने चाहिए। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा
आपको जो किताब लेनी चाहिए वह यह है, भारत का संविधान सिद्धांतों और व्यवहार। अर्थात अगर आप उन किताबों को पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या आपने कोई क्लास कर लिया है पॉलिटी का, तो मैं आपको करूंगा सजेस्ट करूंगा कि भारत का संविधान सिद्धांतों एवं व्यवहार इस किताब को ले लीजिएगा, दो तीन बार पढ़ लीजिएगा, बड़ी अच्छी किताब। उसके बाद आपको एक किताब पढ़नी चाहिए स्वतंत्र भारत में राजनीति, यह बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसके साथ चाहें तो राजनीतिक सिद्धांत, हालांकि यह आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा आप इस किताब को ले लीजिएगा और इसके बाद स्वतंत्र भारत में राजनीति। लेकिन फिर वही बात, जिसने कभी पॉलिटी को नहीं पढ़ा है, उसके ABCD से भी बिल्कुल परिचित नहीं है, और चूंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है और आपको लगता है कि नहीं ये हमें जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस किताब को ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये समकालीन विश्व राजनीति, ये भी क्लास 12th की NCERT है ना, तो पॉलिटी की ये भी किताब लेनी है। तो पॉलिटी में अगर हम NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीन NCERT मैं सजेस्ट करूंगा, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार क्लास 11th के NCERT, स्वतंत्र भारत में राजनीति, और फिर समकालीन विश्व में राजनीति। ये जो किताब है आपको IR के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अवेयर करती है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी जुड़ती है और IR अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो पॉलिटी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी की किताबों पर, है ना, उसको देखते हैं। अब देखो भूगोल की किताबों के लिए मैं सबसे पहले आपको कहूंगा आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़ लेनी चाहिए। पहले मैं NCERT ही दिखा देता हूं। देखो आपको क्या करना है, भूगोल पढ़ने के लिए सबसे पहले क्लास 6 से लेकर आपको ये जो किताबें दिख रही हैं 12 तक, इस सब किताबें ले लेनी है, कोई भी किताब आपको स्किप नहीं करना। जब आप इन किताबों को पढ़ लेंगे तो अपने आप देखेंगे आपकी ज्योग्राफी पर जो कमांड है काफी अच्छी हो गई। अब इन किताबों को पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगे कि सर हमें और अच्छा करना चाहता हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं कि यह जो किताब है ये कॉन्सेप्चुअली आपको साउंड करती, मजबूत करती है। भौतिक भूगोल का स्वरूप है ना, इस सविंदर सिंह की किताब है, बड़ी अल्टीमेट किताब माने। सामान्यतः इसको ऑप्शनल वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, लेकिन किसी को अगर जियोमॉर्फोलॉजी जिसको हम हिंदी में भू आकृति विज्ञान बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी जिसको हिंदी में जलवायु विज्ञान, ओशनोलॉजी जिसको समुद्र विज्ञान बोलते हैं, किसी को अगर ये विषय पढ़ने समझने अच्छे से पढ़ने तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर एक किताब देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल, आप ये किताब ले सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, माजिद हुसैन साहब की मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी किताब आती है, ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पर माजिद हुसैन साहब की ही यहां पर नाम लिखा हुआ है, उनकी मानव भूगोल की किताब आती है। तो आप क्या करेंगे, NCERT पढ़ेंगे, मानव भूगोल की किताब ले लेंगे, और उसके बाद आप यहां पर देखिए भारत का भूगोल करके NCERT आधारित एक किताब आती है महेश बनवाल जी की। तो अगर आपने क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़ ली है, इसको स्किप कर दीजिएगा। अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी है तो आप महेश कुमार बनवाल की NCERT आधारित एक किताब ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने भारत में विश्व का भूगोल माजिद हुसैन का ले लिया है तो इन्हीं की पब्लिकेशन की विश्व का भूगोल आता है, उसको मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर आपके यहां पर माजिद हुसैन साहब की विश्व के भूगोल या मानव भूगोल की किताब नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे भारत का भूगोल लिखा है ना, ऐसे विश्व का भूगोल NCERT पर आधारित महेश कुमार बनवाल की किताब आती है। क्लियर, तो आपको ज्यादा किताबों का बोझ नहीं डालना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, किताबों के बोझ को कम कीजिएगा, एक किताब को 10 बार पढ़िएगा बजाय इसके कि आप क्या करें 10 किताब को एक बार पढ़ें, है ना। तो हमने कहा कि आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले NCERT पढ़ लीजिएगा 6 से लेकर 12 तक, और 6 से लेकर 12 तक NCERT पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि और हमें अच्छे से समझना है टॉपिक को, तो आप क्या कीजिएगा, इस किताब को ले लीजिएगा। इस किताब को स्किप करना चाहते हैं बिल्कुल कर दीजिएगा। जैसे मेरे जो स्टूडेंट हैं जिनको मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, मैं उनको कोई किताब नहीं बोलूंगा, है ना, मैं चूंकि मैं जिस लेवल पर समझा देता हूं उसके बाद किताबों में भी कंटेंट कम मिलता है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि भैया आप मेरा नोट्स पढ़ो और आप क्या कीजिए जो है कि नोट्स पढ़िए और NCERT पढ़ लीजिए, NCERT भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो और इसके साथ आप माजिद हुसैन साहब की मानव भूगोल ले लीजिएगा। लेकिन अब आते हैं ज्योग्राफी के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर। बच्चे क्या करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं या इंडियन ज्योग्राफी, बस पढ़ते चले जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना, आपको जो करना है वो ये, आपको क्या करना है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस जरूर लेना है। अगर किसी के पास एटलस है
तो मैं फिर से कहूंगा, नया एटलस भूलकर भी मत खरीदिएगा। खरीदिएगा क्या, सोचिएगा मेन, जिसके पास कोई भी एटलस है वो आप एटलस को रखिए और जब भी ज्योग्राफी पढ़िए एटलस के साथ पढ़िए। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई एटलस नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लीजिएगा, वो भी इंग्लिश में लीजिएगा, है ना। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में इसमें थ्योरी लिखी है, लोकेशन लिखा है, नाम लिखा है, तो इंग्लिश वाला जो एडिशन है ना ये अच्छा है। अब इसमें आएगा कि सेकेंड एडिशन लें, फोर्थ एडिशन, कोई भी एडिशन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बस आप क्या कीजिएगा, जो लोग नया खरीदेंगे वो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ली, और जिनके पास कोई भी किताब है, सभी ऐसी ही हैं, सभी ऐसी हैं, 19 और 20 का अंतर है। अब 19 और 20 के लिए पैसा मत बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है, उनको लग रहा है सर क्लास में तो आप पैसा लिए नहीं, क्लास तो आप फ्री में पढ़ा रहे हो, कहाँ खर्च करें पैसा हम, लाओ किताबों की लाइब्रेरी बना देते हैं। किताबों की लाइब्रेरी बनाओगे तो उसी में दफन हो जाओगे, और किताबों को कम रखोगे और बार बार किताबों को, कम किताबों को पढ़ोगे तो अच्छा है। अब देखो इसके साथ, अब जैसे हमने कहा आप एटलस लेंगे, और एटलस लेंगे तो आप जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। इसके लिए फिर आपको एक काम करना होता है, यह एक जो है कि आउटलाइन मैप आता है, इसमें इस तरह से इस तरह के मैप होंगे इंडिया के और वर्ल्ड के, ये जरूर ले लीजिएगा। जैसे आपको अगर भारत में कितने नेशनल पार्क हैं उसको पढ़ना है तो आप क्या करोगे, लिखोगे क्या, नहीं, आप ऐसा आउटलाइन मैप लोगे, हर राज्य से लकीरें निकालोगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपको नेशनल पार्क दिखाना है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, यहां से क्या करो ऐसे लकीरें निकाल दो, उनका नाम लिख दो। ठीक इसी तरह से अगर आपको रामसर साइट्स देखना है, भारत के रामसर साइट्स, तो मान लो आप कहां के देख रहे, यहां जम्मू कश्मीर, यहां से रामसर साइट्स कौन कौन से वो लिख दीजिए, है ना। ठीक इसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी, या रिफाइनरी देखना है, पोर्ट्स देखना है, तो जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो लोकेशन बेस्ड होते हैं उसके लिए आउटलाइन मैप जरूर लीजिएगा, अर्थात जो भी इंफॉर्मेशन लिखना इसमें लिखिए। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसा खाली खाली मैप होता है। अब आपको इसमें क्या करना, मान लो आपको ये दिखाना है भारत के भौतिक प्रदेश, तो आप यहां पर क्या करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ये भैया ग्रेटर हिमालय, ये आपका मिडिल हिमालय, ये शिवालिक हो गया, ये ट्रांस हिमालय हो गया, फिर आप यहां पर दिखाओगे मैदानी क्षेत्र, यहां पर दिखाओगे मरुस्थल, यहां पर अरावली दिखाओगे, ये जो है कि आप पश्चिमी घाट, यहां पर पश्चिमी घाट दिखा दोगे, ये पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। इस तरह से जो आप, जो मैं आपको क्लास में बताता हूं कि मैपिंग करना है, उस मैपिंग के लिए ये आउटलाइन मैप जरूरी है। जितना आप एटलस को तवज्जो देते हैं, इंपोर्टेंस देते हैं, ये भी दीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आउटलाइन मैप के माध्यम से कंटेंट को पढ़ते हैं उनका कंटेंट लंबे समय तक तैयार रहता है। एनसीईआरटी मैंने बता ही दिया, ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब देखो इकोनॉमी ना क्या है, हमारे स्कूलों में सही से पढ़ाई नहीं जाती और इसके कारण स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत होती है कि सर इकोनॉमी के लिए हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इकोनॉमी में एक एनसीईआरटी पढ़िएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो जब यह एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो आपकी थोड़ी सी समझ इस विषय को लेकर हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास इलेवंथ की एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी यहां पर नहीं है, क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी। तो इकोनॉमी के लिए दो एनसीईआरटी लेनी, एक तो नाइन्थ की और दूसरी ट्वेल्थ की, सॉरी इलेवंथ की। इलेवंथ की जो एनसीईआरटी है इसका टाइटल है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और क्लास नाइन्थ की इकोनॉमी की एक ही एनसीईआरटी है, उस किसी भी बुक शॉप से जाएंगे बोलेंगे भैया क्लास नाइन्थ की इकोनॉमी की एनसीईआरटी दे दो तो दे देगा। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, आपके बाजार में आपके आसपास में कई किताबें मिल रही होंगी तो उन किताबों में से कोई किताब देख सकते हैं, लेकिन चूंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, एजुकेटर भी कम ही समझाते हैं, बता देते हैं, डेटा देते हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी सार नाम का महेश कुमार बनवाल, जिनकी हमने ज्योग्राफी की किताब बताई थी, उन्हीं की एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमी की किताब आती है, तो यहां पर आपको संक्षिप्त नोट्स के रूप में यह किताब मिल जाएगी, इसको पढ़ लीजिएगा। अब जब आपने इतना पढ़ लिया है फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी टीचर की क्लास को फॉलो कीजिएगा, और क्लास में जब वह फॉलो कीजिएगा जो वह बताएं उसका खुद का नोट्स बनाइएगा, खुद का क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना। अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर किताबों का पीडीएफ दे दो, हमको लगता है इतने इलॉजिकल कैसे हो सकते हो, इन सब किताबों का पीडीएफ हम रख के बैठे हैं, ये पब्लिकेशन वाले क्या करेंगे फिर,
और पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा सा ऊपर उठो प्रभु, ऊपर उठिए, लेवल लाइए अपना, है ना। तो पीडीएफ नहीं तो आप क्या कीजिएगा, कोई क्लास कीजिएगा, या ये दोनों किताबें पढ़ने के बाद, ये किताब और ये किताब पढ़ने के बाद जो है कि क्या कीजिएगा, कोई क्लास कीजिएगा, वहाँ से नोट्स आप बना लीजिएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो देखो, इस विषय की जो सबसे मेजर बुक मानी जाती है, सबसे आइडियल बुक मानी जाती है, वो है रमेश सिंह सर की, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था किताब। लेकिन इस किताब के साथ लिमिटेशन ये है, इस 750-800 पेज की किताब है, एक बार पढ़ना चालू करते हो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको आप तब पढ़िएगा जब इकोनॉमी की आपकी समझ बहुत अच्छी हो चुकी हो, ताकि तेजी से इसको खत्म कर सकें। या स्टार्टिंग में इसको मत उठाइएगा, नहीं तो इतनी मोटी किताब है ना, गर्दन पर अगर गिर गई सोते से, आप तो क्या करते हो सोते सोते पढ़ते हो, गर्दन पर गिर गई ना तो मतलब समझ ही लेना फिर शहीद हो जाओगे, है ना। तो ऐसा मत करना, इसको लास्ट में लीजिएगा। अच्छा, फिर लोग कहेंगे कि सर क्या और भी कोई हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम रमेश सिंह ना पढ़ना चाहें तो? आप क्या कर सकते हैं, बिजार्ड पब्लिकेशन की भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब आती है, ये भी पतली सी ही किताब है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, मैं आपको जो इकोनॉमी के लिए बता रहा हूँ, 9th और 11th की NCERT ले लीजिए, फिर ये वाली किताब पढ़ लीजिए, फिर कोई क्लास देख लीजिए, उससे नोट्स बना ली, इतना इनफ है, बस इतना इनफ है। बाकी इसके अलावा मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे कि आपको पता है माहौल है, है ना, अगर किसी के रैक में रमेश सिंह की किताब नहीं दिखी तो मतलब ये समझ रहे हो कि अरे तुमने तो इकोनॉमी नहीं पढ़ा होगा, रख लेना, अगर ऐसा चाहो तो रख लेना, और कोई टॉपिक कोई चैप्टर पढ़ना चाहो पढ़ लेना, मोटी किताब है, चेतावनी सबसे पहले हमने बता दी। अब आ जाते हैं यहां पर थोड़ा सा इथिक्स, IR, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और अन्य विषयों की किताबों को एक साथ हम आपको दिखा देते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं इथिक्स। आपको पता है प्रीलिम्स से इसका कोई लेना देना ही नहीं, मेंस से इसका लेना देना है। तो ऐसे में आपके पास कई किताबें, जैसे भारत में लोक प्रशासन, चूंकि इथिक्स को लोक प्रशासन से जोड़कर पढ़ा जाता है, तो ये जो किताबें बता रहा हूँ बहुत पतली पतली किताबें, पतली पतली ज्यादा मोटी की तरह। तो भारत में एक लोक प्रशासन किताब आती है, एक सुशासन, सुशासन आपका एक चैप्टर है, टॉपिक है, उसकी एक किताब आती है, आप इसको ले सकते हैं। एक किताब आती है नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि के नाम से, क्रॉनिकल पब्लिकेशन की, तो आप ये किताब ले सकते हैं। और एक किताब, ये जो बड़ी चर्चित किताब है, है ना, जी सुब्बा राव की नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। अब प्रश्न आएगा सर चार किताब लें, नहीं। अब देखो, इसमें से अगर मैं आपको कहूं तो आप क्या कीजिएगा, इस किताब को ले लीजिएगा। सबसे पहले आप इस किताब को पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास कोई दूसरे इथिक्स की कोई भी एक किताब है तो आपको सब किताबें नहीं पढ़नी। जब एक किताब पढ़ लीजिएगा अपने आप आपका जो लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आप चाहे तो इनमें से कोई एक आध किताब ले लीजिएगा, अदरवाइज इथिक्स के लिए एक क्लास एक किताब काफ़ी है। मैंने सब नाम क्यों दिखाए, सब नाम क्यों, किसी के पास अगर मान लो ये किताब है तो आप मत लीजिएगा इसको, अगर किसी के पास ये किताब है तो आप इसको मत लीजिएगा, ये तो चॉइस का पार्ट है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था मुझे किसी पब्लिकेशन को फेवर नहीं करना है, मुझे बस ये बताना है कि मैं आपके पास कुछ विकल्प रखूंगा, उसमें से जो आपको अच्छा लगे आप चुन लीजिएगा, ठीक है, इसीलिए मैं सब किताबें बता रहा हूँ। अब उसके बाद आ जाते हैं हम जो है कि IR के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। IR के लिए अगर हम बात करें तो एक किताब आती है स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, बीपी दत्त साहब की। एक ऐसे ही IR के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तपन विश्वाल की किताब आती है, एक सेकेंड, ठीक है, एक किताब आती है पुष्पेश पंत की। तो तीन IR की किताबें हमने दिखाया, इन तीन किताबों में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा पुष्पेश साहब की किताब। तो आप क्या कीजिएगा, अगर IR की किताब लेनी है तो अगर इनमें से कोई किताब आपके पास है तो ठीक है, नहीं है लेना ही चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पुष्पेश पंत साहब की किताब लीजिएगा, शानदार राइटर है, अच्छे से गहराई से डायनेमिक तरीके से IR को कवर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एनवायरनमेंट पर। बहुत से लोगों के पास परीक्षा मंथन पब्लिकेशन है, इसकी किताब होती है। कई लोगों के पास नीरज नचिकेता सर की किताब होती है, कई लोगों के पास इराक भरोचा की किताब है। देखो, इन्वायरमेंट के लिए कोई एक किताब लेना, इसके अलावा कुछ लोग दृष्टि पब्लिकेशन का जो इन्वायरमेंट की किताब आती है वो भी रखते हैं, आप कोई भी एक ले लीजिएगा, है ना, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की एक किताब लीजिएगा, दृष्टि की ले सकते हैं, किसी अन्य पब्लिकेशन की ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग का या किसी भी पब्लिकेशन की एक किताब लीजिएगा। इन्वायरमेंट के लिए चार किताबें आपको नहीं लेनी है,
क्लियर हो गया। तो एनवायरनमेंट में मैंने बता दिया, दृष्टि कल देख लीजिएगा, निर्माण आईएएस का आता है, शंकर आईएएस का इंग्लिश में आता है, विजन आईएएस का आता है, किसी का भी। हमें किसी पब्लिकेशन और किसी कोचिंग संस्थान से बैर नहीं करना है। जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगे बस एक लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने जितने नाम बताए उसमें से एक आप ले सकते हैं, बाकी आप ये किताबें भी देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आइए, चूंकि आपको पता है इंडियन सोसाइटी हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, तो भारतीय समाज करके एक किताब आती है श्यामचरण दुबे साहब की। भारतीय समाज के लिए मैं कहूँगा आपको अगर किसी कोचिंग का नोट्स मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। किसी कोचिंग का अगर नोट्स मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिले, मान लो आप कहीं ऐसे एरिया में रहते हो कि नोट्स उपलब्ध नहीं हो पाते, तो आप ऐसे में भारतीय समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आप श्यामचरण दुबे जी की किताब ले सकते हैं। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा, इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ किताबें जो पढ़नी चाहिए वह है आपका ये वाली किताब, भारतीय समाज क्लास ट्वेल्थ। ये वाली किताब छोड़ दीजिएगा, ये उनके लिए है जो सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शन रखते हैं। आप इस किताब को पढ़ लीजिएगा, भारतीय समाज एनसीईआरटी की किताब है, क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी। फिर उसके बाद आता है निबंध की बात, है ना। अच्छा हाँ, एक किताब है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये भी क्लास ट्वेल्थ सोशियोलॉजी की किताब है, इसको भी ले लीजिएगा, अच्छी किताब है, जरूर ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है कि सर हम निबंध लिखना चाहते हैं, तो निबंध के लिए मैं दो किताब आपको सजेस्ट करूंगा। आप चाहें तो निशांत जैन का किताब ले सकते हैं, है ना, यूपीएससी में चयनित टॉपर्स द्वारा लिखे गए 101 निबंधों का संकलन, या फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन का निबंध का बुक आता है, देखे यहां पर, हाँ ये देखिए ये वाले जो किताब है, ठीक है ये वाले। तो अगर आप चाहें तो या तो ये वाली किताब, है ना, ये वाली किताब, या फिर आप निबंध दृष्टि ये वाली किताब ले लीजिएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं निशांत जैन की राइटिंग यहाँ पर भी है। तो ये दो किताबें मिलकर आपको निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, आपका लेवल बना देंगे। फिर उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया साहब की किताब है, अच्छी किताब मानी जाती है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, हमारा लेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है उस पर हमें पता नहीं चल पाता। तो मैं आपसे कहूँगा किसी भी पब्लिकेशन का जो है कि अनसॉल्ड या सॉल्ड पेपर ले लीजिएगा, अनसॉल्ड मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत हो सर उत्तर कहाँ ढूंढें, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा प्रीलिम्स का और मेंस का सॉल्ड पेपर अगर मिल जाए तो ले लीजिएगा किसी भी पब्लिकेशन का। देखो प्रीलिम्स का सॉल्ड पेपर में ज़्यादा कुछ होता नहीं, एक्सप्लेनेशन का, तो एक कोई पब्लिकेशन नहीं, अरिहंत ही नहीं, आप दृष्टि की भी ले सकते हैं, धे की आधे आईएएस के ले सकते हैं, कोई भी कोचिंग कोई भी पब्लिकेशन का आप जो है कि अनसॉल्व पेपर ले लीजिएगा और एक मॉडल प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा, है ना। प्रैक्टिस बुक में क्या होता है कि आपको कुछ मॉडल क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे कि भाई इनको सॉल्व कर लीजिए, ये संभावित क्वेश्चन इस प्रकार के आने की संभावना, तो आप वो ले लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स के उसके लिए एक किताब ले लीजिएगा सॉल्व पेपर, उससे आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा, और कोई मॉडल जो है कि मॉडल क्वेश्चंस का जो है कि पेपर किताब भी ले सकते हैं, ना लें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी वो भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। अच्छा जिन लोगों ने मैंने अभी एनवायरनमेंट बताया तो उसमें रवि अग्रहरी सर का एनवायरनमेंट की किताब भी आती है, चर्चित किताब मानी जाती है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसके बाद जो आपको किताब लेनी चाहिए वह है आपको साइंस टेक, है ना, और साइंस टेक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा रवि पी अग्रहरी सर की आप किताब ले सकते हैं, ये साइंस टेक के लिए आपको अच्छी तरह से आगे बढ़ाएगी, कॉन्सेप्ट को आपको साउंड करेगी। तो आई होप आपने ये सभी विषयों का जो है मोटे मोटे जो आपको विषय पढ़ने हैं, जो इनकी किताबें पढ़नी है, वो हमने आपको बता दी। अब आएगा फिर से कि सर एनसीईआरटी का, तो देखिए मैंने कहा हिस्ट्री के एनसीईआरटी बता दिया हमने, पॉलिटी के एनसीईआरटी बता दिया हमने, आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बता दिया। अब इसके अलावा कुछ अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे इन्वायरमेंट जब मैं पढ़ाता हूँ और इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि भैया बायोलॉजी वाली किताब की ये चैप्टर पढ़ लेना। तो वह जो मान लेते हैं कोई ये मेन किताब है, इन्हीं पर अपनी पकड़ बनाई है, जो एनसीईआरटी हमने बताई है, जो टेक्स्ट बुक बताए, इसके अलावा एक दो और आपको एनसीईआरटी और किताबें पढ़नी होती हैं, लेकिन वह कौन सी होती हैं वह हर एजुकेटर अपने हिसाब से सजेस्ट करते हैं।
कैसे, जब मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, जो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूं, तो जब मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया आप क्या करना, एनसीईआरटी का बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर पढ़ लेना, है ना। तो कुछ चैप्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फिर मैं वहां पर बता दूंगा। अभी मैं उन एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो पूरी एनसीईआरटी पढ़ने नहीं, उसके कुछ कुछ चैप्टर पढ़ने या यूनिट पढ़ने, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। जितनी किताबें हमने बताई हैं, अगर आप इन किताबों को पढ़ लें, कमांड कर लें, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लगभग आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इस 80% को आप करंट अफेयर्स के साथ या खुले दिमाग से इस 80% के सोर्सेज को पढ़ेंगे, अपने आप ही 100% हो जाएगा। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो बाकी का जो 20% है वो अपने आप किसी न किसी रूप में आपके पास आ जाएगा, चाहे वो क्लास के माध्यम से आए, नोट्स के माध्यम से आए, मैगजीन, जो मंथली आप मैगजीन लेते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मैगजीन नहीं बताया आपने, मंथली मैगजीन किसी की भी एक ले लो भैया, कोई भी ले लो, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, कोई भी पब्लिकेशन का एक मंथली मैगजीन ले लो, आपके पास क्या विकल्प है। आप दृष्टि आईएएस का ले सकते हो, संस्कृति आईएएस का ले सकते हो, आप जो है कि क्रॉनिकल भी कुछ लोग कहते हैं उसको ले सकते हो, जो भी आपके चारों ओर ना जो मैगजीन आपको, कुछ लोग विजन सजेस्ट करते हैं, विजन देख लीजिएगा, है ना। जो भी आपके पास पब्लिकेशन है, नोट्स हैं, आप कोई भी किताब पर जाइएगा और उसका क्या कीजिएगा, एक मंथली मैगजीन आपको ले लेना है। मंथली मैगजीन जो आपको पसंद आए उस वेबसाइट से या उस पब्लिकेशन का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, वो मंथली बेसिस पर आपके मैगजीन भेजते रहते हैं। आई होप आप इतना कीजिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किताबों का ढेर मत लगाइएगा, उतनी ही किताबें लीजिए जितना आप पढ़ रहे हैं। किताबों को शोभा के लिए, सजाने के लिए, दिखाने के लिए मत खरीदिएगा, पढ़ने के लिए खरीदिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक किताब को अधिक से अधिक रीडिंग आप उसकी कर सकें, जिससे उसका जो कंटेंट है वो आपके दिमाग का हिस्सा बन सके। चलिए, अगर आपको यह जो डिस्कशन है या फिर ये जो किताबों की सूची है आपको पसंद आई हो, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किताबों का नाम जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन किताबों को लेकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि आईएएस के लिए सिर्फ कोचिंग नहीं, हमारे अंदर अवेयरनेस, हमारे अंदर का जुनून और हमारा हार्डवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट। कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, किताबें सही से पढ़िए, अच्छे से किताब पढ़िए। यहाँ पर चूंकि मैं आपको पढ़ाई रहा हूं, आप यहां पर भी जुड़कर अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।